हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी स्कूल क्लासेस। क्लास 10th की फिजिक्स में हम देख रहे हैं चैप्टर लाइट का, और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13, जो कि पेज नंबर 185 और 186 की एक्सरसाइज पे दिए हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। सो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कॉनकेव लेंस। फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। नाउ हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, एंड वी हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम ऑल्सो। पहले तो ये देखो कि दिया क्या क्या है। सिंपल आपको यही करना है हमेशा। तो कॉनकेव लेंस गिवन है, एक तो चीज़ हमें यहाँ पे एफ गिवन है। एफ कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर। बट ये कॉन्केव लेंस है तो हम लेंगे -15 सेंटीमीटर। इट इज़ ड्यू टू कॉन्केव लेंस, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। देन इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। नाउ इमेज डिस्टेंस इज वी, और ये हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, बट माइनस लेंगे क्योंकि लेफ्ट ऑफ द लेंस इमेज बन रही है। ठीक है, हमें निकालना है यू। तो कैसे निकालेंगे? सो वी विल यूज लेंस फॉर्मूला। सो राइट हेयर अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है, हमें प्रीवियस वीडियो में भी देखा है। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अगेन मैं कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जगह यूज़ होगा। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी आपको ये फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन 101% मिलेगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ वी कितना है? वी है 10 सेंटीमीटर, बट नेगेटिव है तो -1/10 हो गया। ये -1/u, यू निकालना है। 1/f, एफ इज ऌल्सो नेगेटिव, सो -1/15। सो हम एक काम करते हैं, इस वाली चीज़ को, इस पूरी टर्म को राइट साइड पर ले जाते हैं और 1/15 को यहाँ पर ले आते हैं। तो क्या मिलेगा मुझे? -1/10, माइनस साइन प्लस हो जाएगा, +1/15 इज इक्वल्स टू 1/u। तो यहाँ पे अब ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में ले लेता हूँ 30। सो -3 + 2 इज इक्वल्स टू 1/u, और u इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। तो u आ गया -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट आपको रखना है, हाउ फार, डेट इज 30 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द लेंस। लेंस से लेफ्ट साइड पे 30 सेंटीमीटर पे आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। अब रे डायग्राम इसका बना लेते हैं। मैं रफ में बना रहा हूँ, आपको प्रॉपर स्केल यूज करके, पेंसिल यूज करके बनाना होगा इसको। सो लेट अस सी द डायग्राम। कॉन्केव लेंस दिया हुआ है, तो कॉन्केव लेंस पहले ड्रॉ कर लो। ठीक है, देन वी हैव दिस एफ, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस लेफ्ट साइड पे। तो यानी लेट अस से 30 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं पे है हमारे पास। तो ये हो गया ए बी, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो अब आया हमारे पास 30 सेंटीमीटर, क्योंकि अब हमें पता है वो चीज़। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा। एक जो इसकी पैरेलल जाएगी, वो इस तरह से चली जाएगी कि जो उसकी वर्चुअल लाइन है वो फोकस से जाए। सो इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, देन सेकंड जो इसके सेंटर से जाएगी वो कुछ इस तरह से चली जाएगी। तो जो इमेज बनी वो कहाँ पे बनी? इमेज यहाँ बन गई, दैट इज़ ए डैश बी डैश। और जो इमेज का डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है कितना? ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस इज़ द रे डायग्राम और आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ इमेज। सो अब यू दिया हुआ है, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बट हम माइनस लेंगे क्योंकि लेफ्ट ऑफ द मिरर हमने रखा हुआ है। देखो इसमें ना साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फोकल लेंथ एफ इज इक्वल्स टू प्लस 15 सेंटीमीटर, प्लस इसलिए लिया है क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। देन वी हमें निकालना है, वी हमें पता नहीं है तो वी निकालते हैं। अब जैसे लेंस फार्मूला होता है ऐसे ही मिरर फार्मूला होता है, सो अकॉर्डिंग टू द मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला क्या है, इट इज़ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। वहाँ पे माइनस था बीच में, यहाँ पे प्लस है, तो दिस इज़ मिरर फार्मूला। सो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, लेंस में माइनस है और मिरर में प्लस है बीच में, तो इस चीज़ को याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर भी। तो अब मिरर फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं। सो वी हमें निकालना ही है, सो 1/v प्लस 1/-10, यू आपका माइनस है, इक्वल्स टू 1/15। इसको इधर की साइड ले जाते हैं राइट साइड पे, तो क्या बन जाएगा, 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10, माइनस साइन था प्लस हो गया। नाउ लेट अस टेक द एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं 30, सो 2+3, और वी इज इक्वल्स टू 30/5, डेट इज प्लस 6 सेंटीमीटर। तो जो इमेज का डिस्टेंस आ गया वो आ गया प्लस 6 सेंटीमीटर। तो पोजिशन ऑफ इमेज क्या है, पोजिशन ऑफ इमेज इज, क्योंकि प्लस साइन है इसका मतलब क्या है, इट इज ऑन द राइट साइड, राइट साइड ऑफ मिरर बनी, एट 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देन द नेचर ऑफ द इमेज, अब क्योंकि जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनी है, राइट साइड पे बनी, दैट मीन्स बिहाइंड द मिरर बनी है, सिर्फ देयरफॉर द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन के, दीज आर द आंसर्स। सो ये था क्वेश्चन नंबर 12। ना क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, इसका मतलब क्या है। सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल्स टू इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो अगर इफ एम इज इक्वल्स टू +1, इसका मतलब एक तो सिंपल है कि ये दोनों टर्म्स बराबर हैं तभी +1 आएगा, इट मीन्स इमेज हाइट इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट हाइट। तो एक तो मतलब इसका ये निकलता है कि दोनों जो एंटिटीज़ हैं इमेज एंड ऑब्जेक्ट, दोनों की हाइट बराबर है, एक चीज़ तो ये निकलती है। अब इसमें जो प्लस साइन है इससे क्या मतलब निकलता है, इससे मतलब निकलता है कि जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी क्वेश्चन नंबर 14 and 15। सो क्वेश्चन नंबर 14, 15 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स, थैंक यू।